इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार तेजी है। पिछला हफ्ता तेजी वाला था, इस हफ्ते में भी हमने हर दिन कुछ बहुत बढ़त ही आते हुए देखी है। ओवर द वीकेंड के बाद तो ऑफकोर्स यहाँ पर विकास अच्छी खासी तेजी है। 1818 का लो बनाने के बाद 1880 तक का हाई यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, और ये भी एक हफ्ते में करेक्शन खत्म हो चुकी है। क्या हम 1900 की तरफ जा रहे हैं? मनीषा जी देखिए, गोल्ड में जो चीज बन रहा है, इंटरनेशनल गोल्ड में 1810 के करीब पे एक डबल बॉटम बना के वहां से ये घूमा, तो एक बाउंस भी मिला और उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट्स पे फिर एक इवेंट भी मिल गया जो कि इसराइल से आया, तो उसके चलते गोल्ड में एक जबरदस्त छलांग देखने मिला। बट अब जैसे देख रहा हूँ कि 1900-1910 के करीब में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड पे एक रेजिस्टेंस का क्लस्टर बना हुआ है, एंड हम लोग के एमसीएक्स के टेक्निकल चार्ट्स में देख रहा हूँ कि 58,200, 58,350 का जो जोन है वो गोल्ड के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी। तो गोल्ड पे थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा क्योंकि नीचे से काफी बढ़ भी चुका है, तो थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहूंगा। अगर इस रेंज में अगर ये 58,000 के नीचे एमसीएक्स में सस्टेन करता है तो थोड़ा बिकवाली की सलाह दूंगा 58,250 के स्टॉप लॉस पे। नीचे मेरे को लगता है कि ये वापस अपने सपोर्ट जोन 57,500 और 57,300 तक ये आ सकता है।